या व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लेके आए हैं अनदर GTA 5 का गेम प्ले। तो हम उठ गए हैं, कपड़े चेंज कर लिए हैं, जल्दी से चलते हैं। हमें कॉल आई थी अपने दोस्त लेमर की। जैसा कि आपको पता है कि पिछले मिशन में मैंने उसको एक बाइक चोरी करके दी थी, तो वो हम पे बहुत हैप्पी है। तो जल्दी से चलते हैं। आज काफ़ी लेट हो गया हूँ क्योंकि मैं काफ़ी काम किया कल और थका हुआ था। तो जल्दी से थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ी सी रनिंग, तो उससे थोड़ा वार्म अप हो जाएंगे। तो चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने रोड पे रनिंग स्टार्ट कर दिया है। तो चलते हैं, बस करते हैं और चलते हैं जल्दी से। आई थिंक इतनी ही एक्सरसाइज काफ़ी है आज के लिए। तो चलते हैं जल्दी से और जाके देखते हैं कि आज क्या मिशन उसने हमारे लिए रखा हुआ है। तो चलते हैं जल्दी से, गाड़ी निकालते हैं, लेट्स गो। ओह शिट, क्या कर रहे हो। तो जल्दी से हम गाड़ी में बैठ जाते हैं और चलते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है, गाड़ी भी हमने अभी नई लेनी है दोस्तों, लेकिन फ़िलहाल हम इसी गाड़ी में गुजारा करेंगे। तो चल के देखते हैं, उससे आज बात भी करनी है कि हमें कोई अपने शोरूम से अच्छी सी गाड़ी दे दो। तो देखते हैं, गाड़ी वैसे ये भी काफ़ी अच्छी है लेकिन हमने इससे भी अच्छी गाड़ी हमें चाहिए। तो जल्दी से हम इसको निकालते हैं, निकालने के बाद थोड़ा टशन मशन करते हैं एज यू नो। तो लेट्स गो दोस्तों। ये थोड़ी मैं ब्रेक्स लगा के इसके टायर वगैरह चेक करता हूँ, ये देखें टशन मशन हमारे। तो चलते हैं जल्दी से, सो लेट्स गो गाइस। तो गाइस क्या ब्यूटीफुल रोड्स हैं, बिल्कुल क्लीन। तो जल्दी से हम गाड़ी की स्पीड तेज करते हैं और चलते। सो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने दोस्त लैमर के वर्कशॉप पे। तो जल्दी से गाड़ी को पार्क करते हैं और पूछते हैं कि लैमर को क्या काम पड़ गया है हमसे। सो लेट्स गो, गाड़ी को जल्दी से करते हैं पार्क। लैमर आई थिंक बाहर ही खड़ा है, अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा है। तो चलते हैं जल्दी से उससे पूछते हैं कि व्हाट इज हिज प्रॉब्लम। ओके, तो ये हमें कह रहा है कि तुमसे बड़ी खुशी हुई है मिलके, मैं अपने दोस्त से बातें कर रहा था, तो इधर थोड़े हो जाओ। तो ये हमें दोस्तों बोल रहा है कि अपने दोस्त, हमारा एक दोस्त है जिसका नाम है माइकल, शायद आपने पहले नहीं देखा होगा, आज आपको वो भी दिखा देंगे। तो माइकल की ये हमें बोल रहा है कि उसके बेटे के पास बहुत अच्छी गाड़ी है, तो वो मुझे चोरी करके दो। तो पहले तो मैं नहीं थमा रहा, मैंने बोला तुम भी दोस्त हो, माइकल भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, तो मैं उसकी गाड़ी चोरी करके नहीं दूंगा। लेकिन फिर मैं मान गया और इतने में मैं जाने लगा था कि उसकी मुझे आवाज़ सुनाई दी अपने दोस्त लैमर की। तो मैं जल्दी से छुप के देखूंगा कि वो हमारे खिलाफ़ क्या बातें कर रहा है, क्योंकि माइकल जो है मेरा बहुत पुराना दोस्त है, लैमर तो अभी कल बना है, लेकिन लैमर के भी हमारे ऊपर बड़े ज़्यादा एहसानात हैं। लेकिन मैं जल्दी से इधर बैठ के छुप के सुनूंगा कि लैमर क्या बोल रहा है। तो लैमर अपने दोस्त को बोल रहा है कि इस ये अभी काम खराब कर रहा है, तो हम जब भी ये गाड़ी चोरी करके लेके आएगा तो हम इसको भी टपका डालेंगे। तो दोस्तों मैं अभी कुछ और सोच रहा हूँ, मैं सोच ये रहा हूँ कि मैं अपने दोस्त माइकल को बता देता हूँ और उसकी गाड़ी चोरी करके लेके आएंगे और आकर इसको ही टपका डालते हैं। तो दोस्तों बड़ा मज़ा आने वाला है, कंटिन्यू देखते रहें। हम अभी निकलने लगे हैं, जाने लगे हैं। मैंने जैसा कि अपने दोस्त माइकल को कॉल कर दी है कि मैं अब तुम्हारी गाड़ी लेने आ रहा हूं, तो उसके बेटे की गाड़ी है, तो हमने गाड़ी फिर भी चोरी करनी है क्योंकि उसका बेटा किसी को अपनी गाड़ी को हाथ नहीं लगाने देता। तो लेट्स गो, चलते हैं जल्दी से और जाके देखते हैं कि कैसे हमने स्ट्रैटेजी लगा के गाड़ी को करना है चोरी। सो लेट्स गो। तो दोस्तों फाइनली हम अपने दोस्त माइकल के घर के बिल्कुल पास आ चुके हैं। हम जल्दी से इधर करेंगे पार्क अपनी गाड़ी को और इसका जो, क्योंकि हमने गाड़ी करनी है चोरी, तो इसका जो मुलाजम है, जो इसका माली है, वो इधर ही होगा, सिक्योरिटी गार्ड भी इधर ही होगा। तो हम देखते हैं क्या स्ट्रैटेजी हमने अपनानी है और जल्दी से हम चोरी से दोस्तों दीवार को छलांगते हैं, इस डोर को,
और जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो इनका माली पानी लगा रहा है अपने पौधों को, तो हम जल्दी से आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे ताकि बिल्कुल भी इसको हम पे शक ना हो। हम इसको थोड़ा मारेंगे, थोड़ा बेहोश कर देंगे ताकि हम आसानी से अंदर जा सकें। सो लेट्स गो दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि बिल्कुल हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, हमने इसको एक थोड़ा सा मुक्का मारा ताकि ये गिर जाए और अब हम जाएंगे। आई थिंक इसको शटर को लॉक होगा अंदर से, ऑटोमेटिक सिस्टम है। मैं पहले कोशिश करता हूँ इसको बाहर से ओपन करने की, लेकिन नहीं, इसको हमें दीवार के दूसरी जगह से आना पड़ेगा। तो देखते हैं पीछे कोई चीज़ होगी जिससे हम ऊपर चढ़ सकेंगे। सो लेट्स गो। सो गाइज, फाइनली हमने रास्ता ढूंढ लिया है कहाँ से हमने जाना है ऊपर। तो जल्दी से चलते हैं, और बिल्कुल भी माइकल के बेटे को और उसकी पूरी फैमिली को पता नहीं चलना चाहिए कि हम गाड़ी चोरी करने आए हुए हैं। तो जल्दी से इस गाड़ी के ऊपर से हम छलांग लगाएंगे और विंडो से हम जाएंगे अंदर, क्योंकि वो जो गैराज है गाड़ी का वो ओपन होता है अंदर से ऑटोमेटिकली। तो जल्दी से हम इसको ऊपर चढ़ जाते हैं और चढ़ के हम छलांग लगाते हैं ऊपर। लेट्स गो। चढ़ गए हैं ऊपर और इधर से जल्दी से बिना किसी को पता चले हम विंडो से चलेंगे अंदर, और यहाँ से विंडो से जाएंगे अंदर की तरफ। अंदर की तरफ आराम से दोस्तों हमने जाना है। तो दोस्तों हम एंटर हो चुके हैं। तो दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं। तो अंदर आने के बाद दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि उसकी बेटी अभी अभी गुजरी है, तो हम जल्दी से आराम आराम से जाएंगे। देखते हैं कि इस कमरे में कौन है। इस कमरे में आई थिंक उसका बेटा है और इस कमरे में उसकी बेटी। तो हम जल्दी से नीचे जाएंगे सीढ़ियों से। नीचे जाने के बाद जो माइकल है, मैंने उसको बोला था कि तुम अपनी वाइफ को किसी काम ध्यान लगा देना ताकि वो मुझे बिल्कुल ना देख सके। तो देखते हैं कि माइकल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि माइकल बिल्कुल बिजी है अपनी वाइफ के साथ। हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और जल्दी से जाएंगे अंदर की तरफ। अंदर चलते हैं। सो लेट्स गो दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं माइकल बिल्कुल बिजी है, मज़े कर रहा है माइकल। तो जल्दी से चलते हैं अंदर और जल्दी से गाड़ी में बैठेंगे, और गाड़ी का जो शटर है वो है ऑटोमेटिक। तो हम जल्दी से बैठेंगे और ओ यस, तो फाइनली हमने बिठा लिया साथ अपने माइकल को, और जल्दी से निकलते हैं और जाके साइमन लेस्टर की, वो जो लैमर, उसकी बैंड बजा देते हैं, क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं इसको उड़ा दूंगा। तो वो देखें बार बार कॉल्स कर रहा है, उसको बड़ी फिक्र लगी हुई है क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही महंगी उसके बेटे ने, माइकल ने इंपोर्ट करवाई थी। तो बहुत ही अच्छी ये लग्जरी गाड़ी है। तो हम जल्दी से जाएंगे और जाके उसकी बैंड बजाते हैं। सो चलिए दोस्तों लेट्स गो, जल्दी से पहुंचते हैं। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं और जल्दी से हम गाड़ी घुसा देते हैं उसकी वर्कशॉप के अंदर, उसका शीशा तोड़ देते हैं ताकि वो हमें मारने की कोशिश कर रहा। तो इधर हम थोड़ा बहुत करेंगे ड्रामा दोस्तों कि ओ शिट, वो बोल रहा है कि मेरी गाड़ी सारी तोड़ दी, इतनी महंगी गाड़ी, और पता नहीं क्या क्या बोल रहा है दोस्तों। तो इधर हम जल्दी से साइड मारेंगे और माइकल को करेंगे आगे, अभी माइकल इसकी बैंड बजाता है। तो लेट्स गो दोस्तों। ये देखें दोस्तों, वो भी आगे से काफ़ी अच्छा फाइट कर रहा है, लेकिन माइकल की क्या बात है, माइकल बहुत अच्छा क्लब चैंपियन भी रहा है, फाइटिंग मास्टर भी रहा है। तो देखें माइकल कैसे उसको मार रहा है, और जल्दी से ये माइकल इसका काम ख़त्म कर दे, फिनिश कर दे। तो दोस्तों माइकल बोल रहा है कि तू हमें, हम मेरी गाड़ी चोरी करने के लिए तुझे मिली थी मेरे बेटे की गाड़ी, ये तो अच्छा हुआ कि ये मेरा दोस्त निकला, तो मुझे पता चल गया, मैं तेरा काम ख़त्म करवा देता हूँ। तो दोस्तों फाइनली माइकल ने मार दिया लैमर को, और अब हमारा हुआ मिशन सक्सेस, और जल्दी से हम